हाँ जी दोस्तों, अज असी पहुंचे हैं फिर नागपुर की एक होर फेमस जगह के उत्ते। मेरे पिछे तुसी देख रहे हो स्वामी विवेकानंद जी की बहुत वड्डी प्रतिमा, जिन्हों देखने वास्ते इत्थे तकरीबन शाम नूं काफ़ी रश हो जाता है। और ये काफ़ी फेमस जिहड़ी हैगी आ स्मारक हैगा, क्योंकि नागपुर सिटी वैसे भी अपने आप विच एक बहुत महत्व रखती है, तो उत्थे इदां दे स्मारक उहदी जिहड़ी सुंदरता है उहनूं बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तुसी देखो चारे पासे काफ़ी अच्छा मौसम दिखाई दे रहा है, प्रतिमा बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है इस मौसम के विच। ते आले दुआले जिवें तुसी देख रहे हो, मैं तुहानूं थोड़ी देर तक सारा व्यू दिखाना कि किस तरह का माहौल इत्थे हुंदा, क्योंकि इत्थे लोग सारे फैमिलीज़ अपने फ्रेंड्स नाल सारे इत्थे आंदे आ ते काफ़ी इंजॉय करदे आ।
आप यहाँ देख रहे हैं अंबाजरी ओवरफ्लो के पास स्वामी विवेकानंद जी का स्मारक की प्रतिकृति। यही स्मारक कन्याकुमारी में जो स्थिति में आज देखते हैं उसी का एक छोटी प्रतिकृति है। नागपुर में अंबाजरी के तालाब के नज़दीक बनाने की कोशिश की है और पहले अंबाजरी की एक किनारे में ओवरफ्लो के पास कुछ भी नहीं था, सब पूरा ओवरफ्लो का पानी बह के जाता था, लेकिन नागपुर प्रशासन ने यहाँ एक ये बना के स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू बना के और इतना अप्रतिम सिचुएशन खड़ी की है कि आज हजारों लोग यहाँ देखने को आते हैं। नागपुर में रहते हैं और ये अंबाझरी है। अंबाझरी में ये स्वामी विवेकानंद का स्मारक है। हमारे यहाँ मेहमान आए हैं एमपी से, इंदौर में रहने वाले हैं, इनको दिखाने के लिए लाए हैं हम। कितना टाइम हो गया बने होकर इसको? फिर भी 5-6 साल हमने देख, पर अच्छी जगह है घूमने फिरने के लिए, चीप है, पैसे भी ज़्यादा नहीं है, 10 रुपये टिकट है अंदर जाने की। अच्छा है, अपन अपना इवनिंग स्पेंड कर सकते हैं किसी घर वालों के साथ या फिर किसी चाहने वालों के साथ। अच्छी जगह है, बहुत सारे लोग आते हैं।